गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम विषय नंबर 2 परमाणु प्रमाण त्याग के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं पदार्थ की द्रव्य प्रकृति और इससे संबंधित द्विभाजी समीकरण। पदार्थ की प्रकृति कण और तरंग दोनों के माध्यम होती है, यह द्विभाजी के द्वारा दर्शाया गया, ठीक है, और इससे संबंधित एक समीकरण दी गई जिसे हम द्विभाजी की समीकरण कहते हैं, ठीक है। इस समीकरण की स्थापना देखिए किस प्रकार होगी, तो देखिए मैक्सवेल के अनुसार किसी भी फोटॉन की ऊर्जा ई उसकी आवृत्ति के से संबंधित होती है। किसी भी फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वह उसकी आवृत्ति से संबंधित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार उसकी आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। इस प्रकार आप देखते हैं E बराबर आपका h nu होता है, h nu, ठीक है, जहां पर E किसी फोटॉन की ऊर्जा है, h जो है प्लैंक कांस्टेंट है और v आवृत्ति को दर्शाता है, ठीक है। तथा इसी प्रकार आइंस्टीन के अनुसार देखें, हम आइंस्टीन के अनुसार क्या होता है, आइंस्टीन के अनुसार देखें हम तो उसकी जो ऊर्जा होती है ना, किसी भी कण की जो ऊर्जा होती है उसके द्रव्यमान से संबंधित होती है, यानी E बराबर क्या हो जाता है आपका, सॉरी, E बराबर h nu और E बराबर m v होता है, m c स्क्वायर होता है। ये आपका आइंस्टीन की समीकरण है और ये आपके प्लैंक का समीकरण है, प्लैंक द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। इस प्रकार हम देखें तो दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एम सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, एच न्यू, ठीक है। किंतु जो न्यू होता है, यह न्यू जो होता है, ये आपका न्यू होता है सी बटा लैम्ब्डा, है ना, यानी कि इसकी वेलोसिटी बटा तरंग दैर्ध्य के अनुपात को क्या कहते हैं, इसके आवृत्ति कहते हैं, न्यू कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम देखें तो लैम्ब्डा को यहां पहुंचाया और mc को इधर लाए, mc स्क्वायर को इधर लाए, तो लैम्ब्डा बराबर क्या हो जाएगा आपका, h गुणा c बटा c स्क्वायर, x से x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, लैम्ब्डा बराबर h, लैम्ब्डा बराबर h बटा एम सी। अगर हम c को जो प्रकाश का वेलोसिटी है इसको अगर संवेग से निरूपित करें तो आपका क्या हो जाएगा, c को हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, लैम्ब्डा बराबर h अपॉन एम वी, और ये क्या होता है, संवेग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखें जो तरंग दैर्ध्य है, लैम्ब्डा क्या है आपका, तरंग दैर्ध्य है, ये अगर h को कांस्टेंट माने तो a बटा m भी हो जाता है, यानी कि तरंग दैर्ध्य आपकी उसके संवेग के अनुपातिक होती है। ये आपका क्या आता है, प्रकाश की द्रव्य प्रकृति और द्विभाजी समीकरण का निरूपण है। इसके बाद हम देखते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत देखिए, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हाइजेनबर्ग का कहना है कि किसी गतिशील कण की स्थिति और उसके संवेग दोनों को एक साथ मापना कठिन है, क्योंकि तो कोई कण अगर किसी चारों तरफ, किसी नाभिक के चारों तरफ अगर कोई कण गति कर रहा है तो एक ही समय में उसकी गति और उसकी स्थिति दोनों का मापन एक साथ हम नहीं कर सकते, दोनों में अनिश्चितता होती है। इस आधार पर किसी सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग में अनिश्चितता का जो नियम है वो हाइजेनबर्ग का नियम कहलाता है। यदि हम
डेल एक्स, इस नियम के अनुसार डेल एक्स इंटू डेल डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू ए अपॉन 4 पाई। ठीक है, यहां ये इस यहां पर जो डेल एक्स है उसकी स्थिति में अनिश्चितता बताता है ना, स्थिति में अनिश्चितता को परिभाषित करता है, स्थिति में अनिश्चितता। ठीक है, जबकि डेल पी आपके क्या है, संवेग में अनिश्चितता बताता है। ठीक है, और ये आपका एक नियतांक है, यह आपका क्या कहलाता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता कहलाता है। ठीक है, और जहां एच आपका क्या है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। ठीक है, यह आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। अब हम कक्षा और कक्ष के बारे में जानकारी लेंगे, कक्षा और कक्ष, कक्षा और कक्षक, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कक्ष और कक्षक दोनों के बारे में बात करते हैं। तो जो कक्ष होता है वह किसी भी नाभिक के चारों तरफ या किसी भी वृत्ताकार मार्ग होता है, कक्ष किसी भी नाभिक के चारों तरफ एक वृत्ताकार मार्ग होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, जबकि कक्षक वह है, वह स्थान होता है, यह त्रिविमीय स्थान होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, आपका कक्षक कहलाता है। ठीक है, कक्ष की जो आपकी होती है, मार्ग जो होता है दीर्घ वृत्ताकार होता है, जबकि इनका जो मार्ग होता है, इनका कोई मार्ग नहीं होता, इनकी जो आकृति होती है, इनकी आकृति डमरू आकार की होती है, ठीक है, डबल डम्बेल होती है या फिर गोल आकार की हो सकती है। ठीक है, इसमें देखें तो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी एन स्क्वायर टू एन स्क्वायर तक हो सकती है, जबकि इनमें अधिकतम संख्या उनके अधिकतम संख्या की दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम उसमें दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसकी जो अवधारणा जो दी है आपको बोर ने दी है, और ये क्वांटम यांत्रिकी के अकॉर्डिंग इसकी अवधारणा तरंग यांत्रिकी के अकॉर्डिंग इसकी अवधारणा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कक्ष जो होता है नाभिक के चारों तरफ होने का जो मार्ग होता है, वृत्ताकार मार्ग होता है, और कक्षक जो होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2a स्क्वायर हो सकता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और उस कक्षक के अकॉर्डिंग होती है। ये धारणा हमको बोर्ड ने दी है, जबकि यह तरंग यांत्रिकी के द्वारा हमें प्राप्त हुई है।